राधे राधे मेरे दोस्तों और भाइयों को, और एक बार फिर वेलकम है आपके अपने प्यार से चैनल टेक जीजी पर। और आज की इस वीडियो में मैं अनबॉक्स करने वाला हूँ एप्पल एयरपोड्स की क्लोन। अगर आप इन्हें बाय करना चाहते हो इस वीडियो को एंड तक देखना है आप लोगों को। और बिना किसी देर करते हुए चलते हैं हम जो इसका बॉक्स है उसके पास में। तो कुछ ब्लू कलर में जो आपको इनका बॉक्स देखने के लिए मिलेगा एंड ये 700 रुपये की प्राइस रेंज में आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। और इनकी बेस्ट बाय लिंक आपको पता है कहाँ मिलेगी, नीचे डिस्क्रिप्शन में। और अगर इस बॉक्स की बात करूँ तो ऊपर की तरफ में आपको जो ओरिजिनल मतलब जो इनके ईयरबड्स हैं उनकी पिक्चर दी गई है i11 ईयरबड्स की, एंड ऊपर की तरफ लिखा हुआ है i11 5.0 टेक्नोलॉजी। या पता नहीं 5.0 ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी है या इसमें नहीं है, क्योंकि यार चाइना का माल है, ये विश्वास नहीं कर सकते। हो सकता है 4.1 हो या 3.1 हो ऐसे। और नीचे की तरफ आपको दे रखा है यहाँ पे अपग्रेडेड वर्जन, और पीछे की तरफ आपको एक पिक्चर देखने के साथ मिल जाएगी इसके जो केस है उसके साथ में। एंड कुछ इतनी सामग्री या फिर मसाला कह लो, कुछ इतना आपको बॉक्स में देखने के लिए मिल जाता है। सबसे पहले ये पत्री मतलब कि यूज़र मैनुअल, चाहे तो आप इसे पढ़ सकते हो, नहीं तो यार इस वीडियो का एंड तक देख लो। और ये जो है इसके जो है USB टू लाइटनिंग केबल जो है उसकी दे रखे हैं यहाँ पे इस बॉक्स को जो है चार्ज करने के लिए। एंड इसकी क्वालिटी की बात करूँ तो यार ऐसी मतलब अच्छी नहीं मिलती, नॉर्मल से मिल जाती है देखने के लिए, ज़्यादा इधर उधर करोगे तो शायद ख़राब भी हो जाए। और ये मिलता है हमारा जो मेन आइटम है वो, तो जल्दी से इसके बारे में हम बात करते हैं। तो देखो भाई लोंडो, ये जो है एप्पल के एयरपोड्स है और इनमें फिनिश काफ़ी ज़्यादा मैटर करती है अगर आप एक क्लोन भी ले रहे हो तो। तो अगर मैं इसकी फिनिश की बात करूँ तो उतनी अच्छी नहीं है, साइड में कहीं कहीं से जो प्लास्टिक है आपको मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ, यहाँ पे जो एकदम उबड़ खाबड़ सी हो रखी है पीछे की तरफ, जो मतलब जो मेटल हिंज दे रखी है, इसकी फिनिश काफ़ी ज़्यादा सही लगी मुझे। एंड जो इसमें बताया गया है कि इसके बॉक्स पे लिखा था कि वाटर और हीट से इसको बिल्कुल ही दूर रखना है, बिल्कुल भी उसके नज़दीक मत तक नहीं जाने देना है इन ईयरबड्स को। एंड जैसे ही आप खोलोगे यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेंगे दो ईयरबड्स, एंड निकालते के साथ ही ये ऑटोमेटिकली जो ऑन हो जाएंगे। और जैसे आप निकालोगे जो राइट और लेफ्ट वाला ईयरबड है वो राइट वाले के साथ कनेक्ट होने के बाद जो लेफ्ट वाला ईयरबड है उसको आपको अपने फ़ोन के साथ कनेक्ट में करना पड़ेगा। तो यार इन दोनों के ऊपर जो है टच कंट्रोल्स दिए गए हैं, जो कि मैंने टेस्ट करते टाइम घंटा टच कंट्रोल्स है, मतलब काफ़ी बार जो है मतलब ये काम ही नहीं करते, बहुत बार काम नहीं करते, लेकिन कई बार काम भी अच्छे से कर जाते हैं। तो टच कंट्रोल मेरे हिसाब से एवरेज है, इसमें उतना बढ़िया नहीं मैं बताऊँगा, ठीक है। एंड ये कनेक्ट होने के बाद आपको अगर इनकी जो ईयरबड्स हैं इनकी क्वालिटी की बात बताऊं तो ये भी वैसी हैं जैसे केस की जो क्वालिटी थी वैसी, उसी प्रकार की जो इनकी भी क्वालिटी है, तो ज़्यादा अच्छी। मैं अगर फिनिश की बात करूं तो उतनी बढ़िया जो है फिनिश यहाँ पे आपको देखने के लिए नहीं मिल रही है मेरे ओपिनियन के हिसाब से। और यहाँ पे जो अगर मैं इसकी अगर बात करूँ बिल्ड क्वालिटी की, तो प्लास्टिक बिल्ड में, क्योंकि यार फिनिश ज़रूरी है तो बिल्ड भी ज़रूरी है, ठीक है, तो प्लास्टिक बिल्ड में आपको ये देखने के लिए मिलेगा। एंड जो इसके पीछे की तरफ आपको जो ये मेटल हिंच देखने के लिए मिलती है, जैसे कि मतलब इसको पूरा कॉपी छापने की कोशिश करी गई है एप्पल एयरपोड्स की तरह, यहाँ पे आप देख सकते हो जैसी उंगली लगा रहा हूँ वैसी बंद भी हो जा रहा है ये, तो काफ़ी ज़्यादा ये फीचर मुझे काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगा। एंड पॉपअप तरीके का एक साउंड आता है। एंड जो इस केस में बैटरी डाली गई है वो है 300 mAh की, तो ओवरऑल जो ये 300 mAh की बैटरी है आपके इसको मतलब जो ईयरबड्स हैं उनको 3 बार चार्ज कर देगी। एंड यहाँ पे जो ये लाइटनिंग केबल का पोर्ट दिया गया है जिससे कि आप इस केस की जो 300 mAh की बैटरी है उसको चार्ज कर पाएँ और इसे चला पाएँ बढ़िया तरीके से। और इन ईयरबड्स को चार्ज करने के लिए आपको जो ये बटन दिख रहा है इसको जैसे ही आप दबाओगे ना वैसे ही यहाँ पे एक नीली कलर की एक लाइट आ जाएगी, तो इसका मतलब जो आपके अंदर जो ईयरबड्स हैं वो चार्ज हो रहे हैं। देखो दिखाता हूँ, देखो लाल बत्ती ऐसे जल रही है ना, ऐसे ही जलेगी, पर ऐसे ही लाल बत्ती मतलब लाल कलर का एक बटन है वो नीचे है, उसको दबा के इस प्यार से चैनल को कर लेना है सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी दबा देना है। तो यार जैसे ही रेड लाइट जो इसमें जल रही है वो बंद हो जाएगी, इसका मतलब जो आपके ईयरबड्स हैं वो फुल चार्ज हो चुके हैं। एंड केस को भी चार्ज करते टाइम जो वहाँ पे एक रेड कलर की ब्लिंक करती है LED, जब वो स्टॉप हो जाए स्टिल जलने लगे तो इसका मतलब केस भी फुल चार्ज हो चुका है। तो यहाँ पे अगर मैं इसकी बिल्ड क्वालिटी की बात करूँ तो मुझे काफ़ी ज़्यादा सही लगी बिल्ड क्वालिटी। अब जो है वक्त आ चुका है इसको नचवाने का, यानी कि साउंड टेस्ट करवाने का, तो जल्दी से इसे कनेक्ट कर लिया जैसे i11 देख सकते हो, तो इसका साउंड टेस्ट करवा देता हूँ मैं आप लोगों को। Thank you.
भाई देखो, अभी आपने बिल्ड क्वालिटी फिनिश के बारे में भी जान लिया एंड साउंड जो है वो भी सुन लिया, साउंड टेस्ट भी कर लिया हमने इसका। एंड अगर जो बेस लवर्स हैं तो भाई उनके लिए बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इसमें घंटा बेस नहीं है, बिल्कुल भी बेस नहीं है। एंड जिसको बस गाने सुनने से मतलब है और वायरलेस होना चाहिए और उसके बजट में आ जाना चाहिए, तो भाई उनके लिए ये बने हुए हैं। और गाने की मतलब क्वालिटी की बात करूँ इसमें कैसे सुनाई देती है, जैसे आपकी वो लीड होती है ना प्लग वाली, वैसी जो है ऑडियो क्वालिटी है इसके गाने में भी। तो ऑडियो क्वालिटी मुझे 10 में से 5 दूंगा इसकी ऑडियो क्वालिटी में मैं। भाई अब आ जाती है इसको लें या ना लें। तो जो बेस लवर्स हैं तो उनके लिए मैं पहले ही मना कर चुका हूँ कि वो इस ईयरबड्स से उनको ना लें, क्योंकि इसमें बेस बिल्कुल भी नहीं है। एंड भाई जिसको अपना शौक पूरा करना है और जो एप्पल के 14,000 के एयरपोड्स नहीं बाय कर सकते वो ये ले सकते हैं, ये 700 रुपये के आपके देखने के लिए मिल जाएंगे, बजट में भी हैं और आपका शौक भी पूरा हो जाएगा। जैसे कि मैंने इनको लिया है अपने शौक पूरा करने के लिए, क्योंकि मैं वो अफोर्ड ही नहीं कर सकता ना। तो अगर आपको सिर्फ गाने सुनने से मतलब है और आपके अफोर्ड में भी आए 700 रुपये की प्राइस रेंज में, तो आप डेफिनेटली इनके साथ जा सकते हो और इन्हें बाय कर सकते हो। और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, तो वहाँ जाके बाय कर सकते हो। तो भाई आज की ये वीडियो यहीं तक थी एंड आई होप वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी होगी। और अच्छी लगी होगी तो आप लोगों को यार पता है, समझदार हो कि इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना और एक नीचे रेड कलर का बटन से दबाने के बाद साइड में बेल आइकन आएगी उसे भी दबा देना, जिससे कि हमारे नए नोटिफिकेशन आप कभी भी ना भूलें। और हम मिलते हैं एक और ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।